दोस्तों नमस्कार, आज की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एंजल वन में डीमैट अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है, क्या प्रोसेस है ओपन करने का। अगर आप भी डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं एंजल वन में तो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कम्प्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप अकाउंट तो ओपन कर सकते हैं, साथ ही साथ रेफर करके भी पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि मान चलिए आपने डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया, अगर किसी दोस्त को ज़रूरत है डीमैट अकाउंट को तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। जैसे ही वो अकाउंट ओपन करता है उसका बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर रेफर यहाँ पे आपको 500 रुपया तो कमा ही सकते हैं। और जैसे कि आप अकाउंट ओपनिंग करेंगे तो वहाँ पे भी आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको 2000 तक का एक स्क्रैच कार्ड दिया जाएगा, उसका विड्रॉल भी आप कर सकते हैं। इस वीडियो में सारा प्रोसेस जानेंगे, किस तरह से अकाउंट ओपनिंग किया जाता है, किस तरह से रेफर किया जाता है, सारा इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों मेरा नाम है मिथुन कुमार, आप देख रहे हैं MKP गुट। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। है जिसे कि आप लोग जानते हैं एंजल ब्रोकिंग के नाम से, ये डीमैट और ये ट्रेडिंग भी इस एप्लीकेशन से कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए हम इस एप्लीकेशन को जो है इंस्टॉल कर देते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद इस एप्लीकेशन को यहीं से आप ओपन भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहां पे इस एप्लीकेशन को ओपन कर देते हैं, और ओपन करने के बाद आपको जो है रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और भाषा यहां पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है या हिंदी। उसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, फुल नाम इंटर करना है, और यहाँ पे आपको जो है नीचे में मोबाइल नंबर इंटर करना है। और मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे OTP आएगा या ऑटोमेटिक OTP भी आ सकता है। उसके बाद OTP इंटर करने के बाद टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे, और अगर ये रेफरल कोड इंटर किया हुआ आता है तो आप मत डालेंगे रेफरल कोड, अगर नहीं आता है तो डिस्प्ले पर शो कर रहा है ये रेफरल कोड, आप इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो आपको भी 2000 रुपये तक का यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग अमाउंट मिल सकता है, तो ये रेफरल कोड डालना अनिवार्य है तभी आपको ये मिल सकता है। तो चलिए हम यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे कोई भी गूगल पे क्लिक करके जीमेल आप इंटर कर सकते हैं अपना। उसके बाद यहाँ पर लोडिंग होने के बाद आगे का नेक्स्ट पेज आएगा, तो आप यहां पे देखिए पैन कार्ड का यहां पे मांग रहा है, तो आप फ़ोटो खींच के भी यहां पे अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो गैलरी में होगा उसे भी आप यहां पे अपलोड कर सकते हैं क्रॉप करके। और यहां पे सारा डिटेल आपका ले लिया जाएगा पैन कार्ड का। लेने के बाद यहां पे कंफर्म बटन पे आप क्लिक करेंगे, और कन्फर्म बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बैंक डिटेल इंटर करेंगे, बैंक अकाउंट नंबर, और यहाँ पर कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको इंटर करना है, IFSC कोड भी यहाँ पे आपको इंटर करना है। तो ये सारा चीज़ अच्छे से आपको इंटर करना है तभी आपको इसी बैंक में पैसा आएगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई अकाउंट हो जाएगा। और वेरीफाई अकाउंट होने के बाद आपको यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल डालना है, जैसे आप एनुअल इनकम कितना है, और यहाँ पे देखिए आपका ऑक्यूपेशन क्या है यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, तो ये सारा चीज़ आप यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक सेल्फ़ी मंगा जाएगा सिग्नेचर, तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले सेल्फ़ी ले लेते हैं, और यहाँ पे अच्छे क्लियर फ़ोटो में आप जो है सेल्फ़ी ले लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे सेल्फ़ी ले लेते हैं, और यहाँ पे अपलोड कर देते हैं फ़ोटो खींच के। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर यहाँ पे एक सादा पन्ना में आपको जो है सिग्नेचर करके फ़ोटो यहाँ पे खींच लेना है। तो चलिए यहाँ पे सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे, और कैमरा पे हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सादा पेज पे आपको सिग्नेचर खींच के यहाँ पे अपलोड कर देना है यूज दिस फोटो पे क्लिक करके, तो आपको ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। ऐसा करने के बाद यहाँ पर आप जो है यस आई वॉन्ट टू एक्टिवेट नाउ पे आप क्लिक कर सकते हैं, और ऐसा करने के बाद यहाँ पे आपको कहा जाएगा अपलोड बैंक स्टेटमेंट, तो आप यहाँ पे पासबुक भी स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो बैंक का स्टेटमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। और ऐसा करने के बाद प्रोसीड टू ई साइन पे क्लिक करेंगे, तो चलिए हम यहाँ पे प्रोसीड टू ई साइन पे क्लिक करते हैं। और ऐसा करने के बाद आपके सामने में देखिए आपको मांगा जाएगा आधार कार्ड, तो यहाँ पे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है तभी आपका ये अकाउंट सक्सेसफुली सफलतापूर्वक यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे आधार नंबर हम दे चुके हैं, उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेंगे, और यहाँ पर जनरेट OTP पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देंगे,
और ऐसा करने के बाद आपके जो आधार में मोबाइल नंबर लिंक है उसी में एक OTP आएगा, यहाँ पे OTP को इंटर कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है, और सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो है एकदम सक्सेसफुली अकाउंट ओपनिंग हो जाएगा। इस लिंक को आप किसी दोस्त को भी शेयर कर सकते हैं, लिंक को शेयर कर सकते हैं, और यहाँ पे थैंक यू, यहाँ पे आपका नाम भी आ जाएगा, जैसे थैंक यू मिथुन है, तो आप समझ लीजिए आपका जो है अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। तो एक्सप्लोर ऐप पे क्लिक करेंगे, और ऐसा करने के बाद यहाँ पे एक वीडियो चलेगा, इसको चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे स्किप कर देते हैं, और स्किप करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको क्विक ट्यूर मिलेगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, तो यहाँ पे नीचे में है एक्सप्लोर ऐप, तो यहाँ पे आप नीचे में क्लिक कर देंगे। पूर्वक जब आपका अकाउंट ओपनिंग हो जाएगा तो आज से 3 दिन बाद आपका जो है जो भी नंबर दिए हैं, अगर आप उसमें व्हाट्सअप चलाते होंगे तो व्हाट्सअप में आपका यूज़र ID और एक पासवर्ड भी आ जाएगा, या नहीं तो पासवर्ड का लिंक आएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप पासवर्ड बना सकते हैं, तो आपके मैसेज में भी आ जाएगा, या नहीं तो जो आप ईमेल दिए हैं ईमेल में भी आपका आ जाएगा। तो जैसे कि मेरे व्हाट्सएप में आया है, आप यहां पे देख सकते हैं यूज़र आईडी आया है और ये लिंक है, लिंक पे क्लिक करके आप जो है पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको जो है यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। हम यहाँ पे यूज़र आईडी आया हुआ और पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन बटन पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 लाइन है ऊपर में, और नीचे में देखिए एक ऑप्शन है यहाँ पे रेफर एंड अर्न का, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे व्हाट्सएप से आप किसी भी दोस्त को यहाँ पे लिंक शेयर कर सकते हैं। इसके बाद 3 दिन वेरिफिकेशन करने में लगता है अकाउंट को, तो आपका यूज़र और पासवर्ड दे दिया जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं किस तरह से यहाँ पे रेफरल अमाउंट या अकाउंट ओपनिंग अमाउंट मिलेगा। तो 3 लाइन पे क्लिक करेंगे लॉगिन करने के बाद, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है ऑफर एंड रिवार्ड का, तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पे एक कोने में है व्यू का एक ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक आपको स्क्रैच कार्ड दिया जाएगा, आपको स्क्रैच करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे स्क्रैच कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिए 100 रुपया आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये लिमिट नहीं है कि 100 रुपया ही मिलेगा, 200 रुपया ही मिलेगा, आपको 5000 तक भी मिल सकता है। तो मेरे को 100 रुपया मिला है, तो यह पैसा कहाँ पर आएगा, और यह 7 दिन के बाद आपका विड्रॉवल अमाउंट में आएगा। तो चलिए हम यहाँ पे बैक करते हैं, और बैक होने के बाद 7 दिन के बाद यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा। जैसे फंड पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऐड हो जाएगा। जब यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा तो यहाँ से आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने खाते में। तो यहाँ पे हम चलिए विड्रॉल पे क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पे 100 रुपया इंटर करेंगे, और 100 रुपया इंटर करने के बाद विड्रॉल फंड पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही विड्रॉल फंड पे आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपका पैसा जो है पेंडिंग में चला गया है, यानी कि आपका जो है 7 वर्किंग डेज के अंदर में ही आपके खाते में यह पैसा भेज दिया जाएगा। तो इसी तरह से आप यहां पे मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और मनी को अर्न भी कर सकते हैं। अगर आप डेली ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपडेट टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का भी आपको यहां पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जो भी आप ऑफर आता है तो सबसे पहले टेलीग्राम पे हम अपडेट कर देते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आपका अकाउंट ओपनिंग हो जाता है एंजल वन में, तो आपको जो भी स्क्रैच कार्ड के द्वारा पैसा मिला है वो 7 वर्किंग डेज में आपका बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो दोस्तों, चाहे तो इसी पैसे से आप जो है अपने डीमैट अकाउंट जो अभी आपने ओपन किया है वो अभी आपका एक्टिवेट नहीं हुआ, यानी कि अभी आपने कोई भी ट्रेड नहीं किया है इसीलिए एक्टिवेट नहीं हुआ। एंजल वन डीमैट अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए आपको ट्रेड करना पड़ेगा, यानी कि किसी भी कंपनी का स्टॉक बाय और सेल करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, एक कोई भी सस्ता स्टॉक ले लीजिए, सस्ता कोई भी शेयर ले लीजिए, जैसे कि आइडिया वोडा हो गया, यस बैंक हो गया, अकाउंट जो है डीमैट अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि आपने ट्रेड कर लिया है तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, तब आप रेफर का बेनिफिट ले सकते हैं। इस तरह से आप रेफर कर सकते हैं, इस तरह से आप जो है अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के रिकॉर्डिंग कोई भी आपके मन में सवाल या सुझाव है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हैं, तो वहाँ पे हम आपको जवाब दे देंगे। तो इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए,
और ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें ताकि ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।